वरा नदी किनारे के नाले पर हाल ही में बनाए गए पुल में दरारें आने से अब इस पुल पर की यातायात करना खतरे में आ गया है। निष्कृष्ट दर्जे के साहित्य से पुल को बनाए जाने का आरोप करते हुए संबंधित ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। 15 करोड़ के विशेष अनुदान में से 30 लाख की लागत से पुल की निर्मिति की गई। उक्त पुल का काम माँ जगदम्बा डेवलपर्स को दिया गया था। नाले पर बनाए गए इस नए पुल में कुछ ही दिनों में दरारें पड़नी शुरू हुई। पुल के नीचे किया गया पिच की खिसक जाने से वहां पर पोखली निर्माण हो गई। पुल को मजबूती देने वाली पिच की खिसक जाने से पुल के ढहने का खतरा बताया जा रहा है। ठेकेदार ने निष्कृष्ट साहित्य से और गैर जिम्मेदारी से पुल की निर्मिति की, जो अब यातायात को खतरे में डालने वाली साबित हो रही है। वरा नदी किनारे बहते नाले को पार करके गाड़गे बाबा की समाधि के दर्शन को आना पड़ता था। लोगों की इस हमेशा की समस्या को दूर करने हेतु उक्त पुल का निर्माण किया गया। भारी मांग पर बनाए गए इस नए पुल में दरारें आने के साथ पुल ढहने का भी खतरा अब दिखाई देने लगा है। ठेकेदार के गैर जिम्मेदारी भरे काम की वजह से बहुप्रतीक्षित पुल पर से यातायात खतरे में आ गया है। नए बने पुल पर से गुजरने का सपना देखने वालों को अब अपनी जान जोखिम में डालकर ही पुल से गुजरना पड़ेगा। इस पुल के काम किए गए भ्रष्टाचार की जाँच करके ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। लाजुरकर, वना नदी संवर्धन समिति अध्यक्ष, गाडगे बाबा यात्रा कमिटी कार्याध्यक्ष। गेल्या 6 महिन्यापासून इथे वना नदीच्या तीरावर नाल्याच्या पुलाचं बांधकाम सुरू होतं। त्या पुलाला अवघे 15 दिवसही नाही झाले असता पुलाला तडा गेला। याची दखल घेत आज मी इथे आलो। इथे काही लोक जमलेले आहे। हा पूल बिल्कुल चुकीच्या पद्धतीनं बनला आहे, कारण याची दिशा अशी सरळ आहे। याला असा रोडनी असा पहिले अशी रोडनं बनवला होता, आता चुकीच्या दिशेने बनवला। पहिले मोठा होता, आता छोटा केला। आणि याला व्हायब्रेशन जे पाहिजे त्या पुलाला व्हायब्रेशन बी नाही झालं। मशीन जे असते त्याच्यामुळे याला क्रॅक पडल्या भेगा पडत आहे। आणि ह्या पुलाची दुर्दशा अशी आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणती दुर्घटना ना घडावी याकरिता संबंधित नगरपालिकेचे इंजिनियर जे ठेकेदार असतील, शिंगरू म्हणून ठेकेदार आहे या पुलाचे, त्यांच्यावर चौकशी व्हावी या मागणीसाठी मी इथं आलेलो। आमचं म्हणणं आहे, याच्यात पहिले माती भरली आहे या किनारीला पूर्ण, आणि त्याच्यानंतर ह्या मुरुम टाकला वरतून थोडंसा गोट्याची मध्ये हे लावली। आता म्हणजे चांगल्या प्रकारे बनला कसं का बनला? नाही, चांगल्या प्रकारे आम्हाला तर वाटतच नाही, चांगल्या ह्या टिकणारच नाही जास्त दिवस। आता क्रॅक वगैरे गेले त्याच्याबद्दल काय म्हणणं आहे? क्रॅक तर तो जाणारच आहे ना, याच्यावरून पुरजेर जाऊ द्या, एक तर हे पूर्ण दबणार आहे खालतं। म्हणजे हा पूल काही कामाचा राहिला नाही? हा। बरोबर, तुमचं नाव पूर्ण? गुलाब बापराज भावने। BCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट।